साथियों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक साड़ी जहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक साड़ी सीखने के बाद दूसरी साड़ी जहाँ से स्टार्ट होती है और उसकी पूरी बुनावट, पूरी कढ़ाई बुनाई, पूरी प्रोसेस, एक साड़ी को मशीन पर तैयार होने में कितना वक्त लगता है ये भी बताएँगे, और क्या क्या उसमें चलता है, डिजाइन कहाँ पर कौन सा डिजाइन चलता है ये भी बताएँगे आपको। तो देखिए, यहाँ पर एक साड़ी टूट चुका है, यहाँ पर एक साड़ी ख़त्म हो गया और ये सफ़ेद रंग आ गया, यही इसका निशानी है कि एक कलर का साड़ी ख़त्म हो गया। और दूसरा कलर देखिए, जो गुलाबी कलर है, पिंक कलर में, पिंक कलर यहाँ शुरू हो गया। तो ये देखिए साथियों, साड़ी के शुरुआत में मशीन से जो चलता है, पहले चलता है ब्लाउज का कपड़ा, ये आपके ब्लाउज का कपड़ा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे, पूरी साड़ी घूम करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, और कितना वक्त लगता है ये भी बताएंगे। बहुत ध्यान से देखते रहिए, एक साड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस कैसे बनता है पूरी साड़ी। अभी ये ब्लाउज का कपड़ा चल रहा है साथियों, ये पूरा एक मीटर चलेगा। एक मीटर होने के बाद जो कि एक दूसरा लगभग दो गिरे, तीन गिरे, तीन साढ़े तीन गिरे तक पाखा चलता है। पाखा के मतलब ऐसे ही प्लेन चलेगा, जो प्लेन है पूरा एक दूसरा तक प्लेन कपड़ा चलेगा। पंखा पूजने के बाद इसका, क्योंकि इसका साई का कपड़ा डिजाइनदार है, इसलिए इसमें डिजाइन चल रहा है, और जिसमें डिजाइन नहीं होता बिल्कुल ऐसा ही प्लेन होता है, जैसे कि दिख रहा है ऐसा ही प्लेन कपड़ा होता है जिसमें डिजाइन नहीं होता। तो इस साड़ी में ब्लाउज भी डिजाइनदार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, अब ये ब्लाउज का कपड़ा जो है कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ब्लाउज का कपड़ा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से जो है कि ब्लाउज कट करके निकल जाता है, साड़ी कट के प्रिपेयर हो जाती है, तो यहाँ से ब्लाउज कट करके निकल जाता है और ये साड़ी के नीचे में चला जाता है। आपको दिखा देते हैं ध्यान से, अब देखिए यहीं से ब्लाउज का कपड़ा कट करके निकल जाता है। अब ये एक बिस्ता जो प्लेन कपड़ा चल रहा है लाल रंग का, एक बिस्ता चलने के बाद जो है कि अचल की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्लाउज का कपड़ा एक मीटर जाता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ आती है कपड़े की, वो एक मीटर से ऊपर हो जाती है। यहाँ से लेकर अंदर से रोला पर से घूम करके यहाँ तक जब आ जाती है, तो एक मीटर पूरा हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, अब ये जो है कि यहाँ से पट्टी पूरा हो चुका है। अब ये जो हमने दिखाया है, अभी पाखा जो एक दिखा के बाद फिर से यहाँ का पट्टी आंचल वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। अब यहाँ से आंचल का पहले पट्टी चलता है, आप देख सकते हैं ये पट्टी चल रहा है, पट्टी वाले डिजाइन चल रही है, पट्टी के बाद फिर आंचल चलता है। आपको दिखा देते हैं, अब इस पट्टी के बाद पट्टी चलेगा, उसके बाद फिर पट्टी चलेगा, फिर उसके बाद जो है कि पूरी साड़ी का डिजाइन जो रहता है जिसको कोई कहते हैं वो चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, अब पट्टी सीखने के बाद ये वाली डिजाइन जो है कि आंचल है, जब ये आंचल का डिजाइन शुरू हो चुका है, ये आंचल का डिजाइन पूरा होने के बाद फिर जो है कि पट्टी चलेगी, पट्टी चलने के बाद फिर खोज करेगा, जो कि पूरी सारी हरकत का रहेगा, जितनी लंबी गाड़ी होती है इतना लंबा वही डिजाइन सबसे चला जाता है, पूरा साड़ी ओवरऑल पूरा साड़ी वही चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल इतना चुका है,
और जितना बुनाई है उतनी है आसन की, और आसन वही उगने ही वाला है। अब इसके बाद हम फिर पट्टी का प्रोसेस चालू करेंगे। अब ये शुरू हो चुका है हमारा पट्टी। अब इस पट्टी के बाद जो है कि आसन बिक चुका है, पट्टी के बाद जो है कि फिर क्या पत्ता रहेगा, आप पट्टी का भी निर्माण देख लेंगे। अब देखिए, अब जो है कि सही वाला प्रोसेस चालू हो गया, फिर क्या पत्ता चल गया है और दूसरी वाली डिजाइन शुरू हो गई है। अब यही डिजाइन जो है कि पूरे चाहे घर से लेगी, जब तक चाहे कम्प्लीट नहीं हो जाएगा वही डिजाइन शुरू हो जाएगा। दिखा देते हैं अपने, ये देखिए ये पूरा साड़ी बस यही डिजाइन है, साड़ी चल पूरी की पूरी साड़ी यही डिजाइन चलेगा। अब उसके बाद जो है कि पाठा चलेगा, ये लगभग एक जिसका इतना होता है, इससे तो ज़्यादा होता है और यह एक जिसका ही करता है, तो यह डिजाइन पूरा साड़ी में रहेगा। उसके बाद दिखा रहेगा। अब ये देखिए साथियों, अब एक साड़ी पूरा ही होने वाला है। मतलब अब ये डिजाइन जो देख रहे हैं आप बूटियाँ, ये बूटी जो है कि अब ख़त्म हो चुका है। इस किनारे और इस किनारे दोनों तरफ सादा प्लेन बिल्कुल चल रहा है। तो अब आपको दिखाएंगे, ये साड़ी पूरा होगा तब हम जो है कि फिर मारेंगे, फिर दो अंगुल का, फिर उसके बाद कलर बदल देंगे। इस तरह से हमने आपको एक साड़ी चलने का एक नॉर्मल प्रोसेस दिखा दिया है। अब पूरा प्रोसेस दिखाने का मतलब बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह हम कभी उसको भी दिखाएंगे कि एक साड़ी बनाने का फुल प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि उसमें दिखाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाना पड़ेगा, डिजाइन कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब भी फुल प्रोसेस में आ जाएगा। तो देख सकते हैं साथियों, जैसा कि एक साड़ी ये पूरा हो चुका है। अब यही था आज का हमारा एक साड़ी का पूरा आपका नॉर्मल प्रोसेस दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग जान सकें कि एक साड़ी बनते बनते कितना टाइम लगता है। नॉर्मल तरीके से आपको बता दूं, ये वाला एक साड़ी बनने में 10 घंटा लग जाता है मशीन पर। वैसे हाथ से चलाने में 2 दिन का समय लेता है, वक्त लेता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।